हमारे देश ने आजादी के बाद कृषि के विकास में एक लंबा सफर तय किया है। आज हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। फसलों की बढ़ती हुई पैदावार में रासायनिक उर्वरकों की एक अहम भूमिका रही है, परंतु कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार भूमि के उपजाऊपन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खादों का इस्तेमाल भी अब जरूरी हो गया है। इसीलिए गोबर की खाद, केंचुए की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट और जैविक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आधुनिक कृषि पद्धतियों में जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हुए हैं। भारत सरकार ने भी मृदा का उपजाऊपन बनाए रखने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने के उद्देश्य से जैव उर्वरक को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। भारत सरकार की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL ने रासायनिक खादों के उत्पादन और विपणन के साथ साथ अब बायो फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में भी अपना अहम स्थान बना लिया है। कंपनी अपने ब्रांड किसान के अंतर्गत यूरिया, DAP, MOP, NPK, APS, SSP, बेंटोनाइट सल्फर, बीज एवं कृषि रसायन के साथ किसान जैव उर्वरक भी किसानों को उपलब्ध करवा रही है। वैज्ञानिक रूप से बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया वाली जीवाणु खाद है, क्योंकि इसमें उपस्थित लाभकारी बैक्टीरिया जीवित अवस्था में वायुमंडल तथा मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं और मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाते हैं। NFL 4 प्रकार के जैव उर्वरकों का उत्पादन कर रही है। किसान राइजोबियम, किसान PSB एवं किसान एजेटोबैक्टर का उत्पादन ठोस एवं तरल दोनों रूपों में हो रहा है, जबकि किसान ZSB का उत्पादन तरल रूप में हो रहा है। वर्तमान में मुख्य रूप से तरल जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, जो कुल उत्पादन का 75% है। उच्च गुणवत्ता वाले तरल जैव उर्वरकों के उत्पादन के लिए NFL ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में एक आधुनिक बायो फर्टिलाइजर्स प्लांट लगाया है। यहां बढ़िया क्वालिटी के बैक्टीरिया कल्चर और मानक उत्पादन तकनीकों का इस्तेमाल करके बायो फर्टिलाइजर तैयार किए जाते हैं एवं इनकी आधुनिक तकनीक और विधि से पैकिंग की जाती है। तरल जैव उर्वरक बनाने के लिए देश के प्रसिद्ध कृषि संस्थानों से गुणवत्तापूर्ण बैक्टीरिया यहां लाया जाता है, जिसे मदर कल्चर कहते हैं। फिर वैज्ञानिकों द्वारा प्लांट में कल्चर विधि द्वारा इस मदर कल्चर से अलग अलग चरणों में अनेक बैक्टीरिया विकसित किए जाते हैं। इसके पश्चात इसकी आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न मात्रा की बॉटल्स में पैकिंग की जाती है। पैकिंग करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि तरल जैव उर्वरक की बॉटल्स की अच्छी तरह से लेबलिंग तथा सीलिंग हो, ताकि बाहरी तापमान का बैक्टीरिया पर असर न हो और समाप्ति तिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेबल पर लिखी हों। NFL के चारों प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल इनके फायदों के अनुसार विभिन्न फसलों में किया जाता है। जैसे किसान राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर में मौजूद बैक्टीरिया सभी दलहनी पौधों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें बनाकर साथी जीव के रूप में रहता है तथा पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से दलहनी और तिलहनी फसलों जैसे अरहर, चना, मूंग, उड़द, मटर, मसूर, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि में लाभदायक है। NFL के किसान एजेटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर में मौजूद बैक्टीरिया को मिट्टी एवं जड़ों की सतह पर मुक्त रूप से रहकर वायुमंडल की नाइट्रोजन को पोषक तत्व के रूप में परिवर्तित करके पौधे को देता है। इसके अलावा एजेटोबैक्टर जीवाणु पौधों की बढ़वार में सहायता करने वाले ग्रोथ हॉर्मोन्स और एंटीबायोटिक्स को भी बनाता है। इसका उपयोग लगभग सभी गैर दलहनी फसलों जैसे कि मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि में किया जाता है। इसी तरह किसान PSB बायो फर्टिलाइजर में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, जिनमें मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में बदलने की क्षमता होती है। इसीलिए इसे
PSB यानी फॉस्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। जीवाणुओं द्वारा तैयार घुलनशील फॉस्फोरस को पौधे पोषक तत्व के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी है। NFL द्वारा निर्मित चौथे प्रकार के बायो फर्टिलाइजर किसान ZSB में मौजूद बैक्टीरिया भूमि में मौजूद जिंक को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। इसका उपयोग सभी अनाज, दलहनी, तिलहनी फसलों एवं सब्जियों में किया जा सकता है। तरल जैव उर्वरक से अधिकतम लाभ लेने के लिए किसानों को इसे निर्धारित विधि से उपयोग में लेना चाहिए। तरल जैव उर्वरक को तीन प्रकार से उपयोग में लिया जाता है, मृदा उपचार, बीज उपचार, कंद उपचार एवं पौध उपचार। मृदा उपचार के लिए तरल जैव उर्वरक को निर्धारित मात्रा में जैविक खाद यानी सिटी कॉम्पोस्ट, गोबर की खाद आदि में मिलाकर आखिरी जुताई पर पूरे खेत में समान रूप से बिखेर कर मिट्टी में मिला दें। प्रति एकड़ खेती पर मृदा उपचार के लिए तरल जैव उर्वरक के उपयोग की निर्धारित मात्रा इस प्रकार है। बीजों को जैव उर्वरक से उपचारित करने के लिए तरल जैव उर्वरक की निर्धारित मात्रा को गुड़ के साथ पानी में अच्छी तरह से घोल लें। इस मिश्रण को बीजों के साथ अच्छी तरह से मिला दें। बीजों को छाया में सुखा लें। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि बीजों को छायादार जगह पर ही सुखाया जाए, अन्यथा धूप या अन्य प्रकाश से जैव उर्वरक के बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं और उर्वरक का लाभ कम होने का खतरा रहता है। सूखने के बाद अब बीज बुआई के लिए तैयार हैं। प्रति एकड़ खेती पर बीज उपचार के लिए तरल जैव उर्वरक के उपयोग की निर्धारित मात्रा इस प्रकार है। कंदों से उगाई जाने वाली फसलों में कंदों को रोपाई से पहले जैव उर्वरक से उपचारित करना चाहिए। बुवाई के लिए जैव उर्वरक की निर्धारित मात्रा को साधारण पानी में घोलकर मिश्रण बनाएं। पौध, जड़ों या कंद को 30 मिनट के लिए घोल में डुबो दें और फिर बाद में जल्द से जल्द ठंडे समय में रोपाई कर दें। प्रति एकड़ खेती पर कंद उपचार के लिए तरल जैव उर्वरक के उपयोग की निर्धारित मात्रा इस प्रकार है। भूमि, बीजों, कंदों या पौध को जैव खाद से उपचारित करने के कई लाभ होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि, मिट्टी में कार्बनिक पोषक तत्वों की वृद्धि, बीजों के अच्छे जमाव फुटाव में सहायक, पौधों की रोगों व सूखे से लड़ने की क्षमता में वृद्धि, रासायनिक खादों की खपत में कमी, फसल उत्पादन में 10-15% की बढ़ोतरी। NFL अपने विशाल डीलर नेटवर्क के जरिए देश के अन्य राज्यों में बायो फर्टिलाइजर्स को किसानों तक पहुंचा रहा है। जैव उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए डीलर्स और किसानों के बीच जागरूकता कार्यक्रम और किसानों के खेतों में प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं। जैव उर्वरकों का पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ सावधानियों को अपनाना आवश्यक है। फसल के अनुसार उचित जैव उर्वरक चुनें। जैव उर्वरक के पैकेट्स एवं बॉटल को छाया में सूखे स्थान पर रखें। हमेशा सिफारिश की गई उचित मात्रा का उपयोग करें। रासायनिक खादों एवं कीटनाशी रसायनों के साथ मिलाकर प्रयोग न करें। खरीदते समय पैकेट पर पूरा विवरण जांच लें, जैसे नाम, बनाने की तारीख, फसल का नाम, प्रभावशीलता खत्म होने यानी समाप्ति की तारीख आदि।
जैव उर्वरक को समाप्ति की तारीख के बाद इस्तेमाल न करें। जैव उर्वरकों का उपयोग लागत लाभ की दृष्टि से भी किसानों को अच्छा फायदा देता है। रासायनिक खादों के साथ NFL के किसान जैव उर्वरकों का उपयोग फसलों की उत्पादकता बढ़ाता है, किसानों की आमदनी बढ़ाता है और वे खुशहाली की ओर बढ़ते हैं। NFL किसानों का मित्र, राष्ट्र का गौरव।